हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जो बिल्कुल फ्री है, इजी है और बिल्कुल सिंपल है। और दोस्तों, इसमें कोई वाटरमार्क भी नहीं आता। दोस्तों, ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए होता है और इससे आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। जो भी बेसिक और सिंपल टूल्स की ज़रूरत होती है वो सब इसके अंदर अवेलेबल होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है कैमली और ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो चलते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हम सर्च में लिखेंगे कैमली लिखेंगे और सर्च करेंगे तो इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस आ जाएगा। तो मैंने अपने मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो ये ओपन का ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, इसमें तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक में कैमरा, एक में माई स्टूडियो, एक में एडिटर। तो कैमरे में आप डायरेक्ट इसी से आपको कोई रिकॉर्डिंग करनी हो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और माई स्टूडियो में दोस्तों, आप जो भी प्रोजेक्ट अपना बनाओगे, एडिट करोगे, वो माई स्टूडियो में आपका सेव हो जाएगा। और एडिटर में इसमें हम एडिटिंग करेंगे। तो चलते हैं अपने एडिटर में। एडिटर पर क्लिक करेंगे और दोस्तों, जो भी आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है, पहले वो अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लो। मान लो मैं अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। और ये वीडियो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगी, ये देख सकते हो आप। तो उसके बाद हमें ये नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो उसके बाद देखो दोस्तों, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, थीम का, ट्रिम का, मल्टी म्यूजिक का, बैकग्राउंड का, एक्सपेक्ट रेटियो का, टेक्स्ट का, स्टिकर का, जूम का, रोटेट, रिवर्स, स्पीड, इफेक्ट, डूडल, स्प्लिट, म्यूजिक फेड। तो दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। इसमें आप अच्छे से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। जो भी बेसिक और सिंपल टूल्स की ज़रूरत होती है वो सब इसके अंदर होता है। आप थीम में जाओगे तो अपने थीम चेंज कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। जैसे हम ट्रिम में चलते हैं और ट्रिम में जाके आप आगे से, पीछे से, कहीं से भी ट्रिम करना चाहो वीडियो को, वो ट्रिम आप कर सकते हो। इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हो दोस्तों। और फिर यहाँ से आप ओके कर दो। और उसके बाद ये मल्टी म्यूजिक है। जब आप मल्टी म्यूजिक में जाओगे तो प्लस का निशान आएगा, प्लस के निशान पर आप इसको क्लिक कर दो। आप देख सकते हो कई सारे इसमें म्यूजिक वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो आप कोई सा भी म्यूजिक वगैरह इसमें ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। और आप माई म्यूजिक के ऑप्शन में जाओगे तो आपके जो मोबाइल के अंदर जो आपने म्यूजिक सेव कर रखे होंगे तो वो सारे आपको इसमें शो करेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें म्यूजिक वगैरह भी डाल सकते हो। तो चलते हैं बैक। और उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। तो दोस्तों, इसमें आप अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो आप ब्लैक का, वाइट का, ब्लर का, ये तीन ऑप्शन आते हैं। और भी जो कलर है, जौन सा आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो इसके बाद ओके कर देना। दोस्तों, इसमें एक्सपेक्ट रेडियो में आप जब जाओगे तो इसमें आप जौन सा आपको साइज़ चाहिए अपनी स्क्रीन का वो कर सकते हो। जैसे यूट्यूब में वीडियो हम जो डालते हैं तो वो 16:9 वाला होता है, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। जौन सा भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ करके और ओके कर दोगे तो वही आपका स्क्रीन का साइज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें आप टैक्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ये टैक्स आ गया है। टैक्स पे जब आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो आप अपना कोई भी टैक्स वगैरह लिख सकते हो। ये टैक्स इस तरीके से लिख के आप ओके कर दोगे और ये टैक्स आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप इस टैक्स को यहाँ से आप कलर वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे इस तरीके से कोई सा भी कलर आपको देना हो आप कलर दे सकते हो। और आपको कोई फॉन्ट चेंज करना हो, मतलब वर्ड वगैरह स्टाइलिश बनाने हो, तो वो भी आप इसमें यहाँ से कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी वर्ड वगैरह आपको बनाना हो कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था दोस्तों वीडियो कैसे, ये था वर्ड का। और आप इसमें स्टिकर वगैरह कोई ऐड करना चाहते हो तो दोस्तों स्टिकर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करना है और इसी तरीके का प्लस का निशान आ जाएगा। जब आप प्लस के निशान पर क्लिक करोगे तो इसमें काफ़ी सारे स्टिकर वगैरह होते हैं दोस्तों। तो कोई भी आप स्टिकर इसमें यहाँ पर लगा सकते हो, इसमें छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए हो उसी हिसाब से आप अपना स्टिकर इसमें सेट कर सकते हो इस तरीके से। तो अब ये आ गया स्टिकर का। इसमें हम जूम भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जूम का ऑप्शन है, जूम पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी वीडियो को दोस्तों इस तरीके से जूम भी कर सकते हैं। जितनी हमको जूम करनी है हम जूम भी कर सकते हैं अपनी वीडियो को।
जैसा आपको करना हो, फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको राइट क्लिक पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों हमने जूम करके भी देख लिया। अब दोस्तों इसमें स्पीड का भी ऑप्शन है, रोटेट कर सकते हो, स्पीड वगैरह कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इफ़ेक्ट पे जब आप जाओगे तो इफ़ेक्ट भी आप इस पर कर सकते हो, प्लस के निशान पे जाके जो भी इफ़ेक्ट डालना चाहो। देखो दोस्तों इसमें ये डाल देंगे तो इस वीडियो तरीके कैसा का इफेक्ट लगा? आ अच्छा जाएगा, ये डाल देंगे तो इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा। तो उसके बाद जैसा इफ़ेक्ट डालने के बाद आप इसको यहाँ से राइट पे क्लिक कर दो, वही आपका इफेक्ट आ वीडियो जाएगा। कैसा लगा? तो उसके बाद स्प्लिट कर सकते हो दोस्तों। इसमें अगर मैं सारे आपको एक एक करके सब बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मेन मेन बेसिक बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी आप नॉर्मल अपना वीडियो एडिटिंग में बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएगी, और मेन मेन चीज़ मैंने आपको इसमें बता भी दी हैं। तो यही इसमें, बाकी आप इसको इंस्टॉल करके जब यूज़ करोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और ये सब जब आप सब कुछ कर लोगे तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, जब इसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपका ये ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। तो ये जो मेन मेन चीज़ थी वो दोस्तों मैंने सब आपको बता दी हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपका कोई सवाल हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।